वह फिल्मी गीतों के माध्यम से हो चाहे वो रंगमंच के माध्यम से हो। चरण स्पर्श से लेकर अनूप जलोटा जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया, मैं कोयल जी से निवेदन करूंगा यहाँ इस मंच पर पधारें। अगर आपकी बेटी आपका स्वागत करे तो आपको कोई नुकसान तो नहीं है? बेटा मम्मी का स्वागत करो। बेटी माँ का स्वागत करते हुए, सिर्फ माँ ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी अनमोल वस्तु है संसार में जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। HMV से श्री राम चंदानी साहब यहाँ उपस्थित हैं, HMV से सारेगामा से सीमा जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उन्हें यहाँ इस मंच पर बुलाते हैं। राजचंद्रन साहब आप कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम लोग देखे तो सही आपने इतना अच्छा काम किया है इस एल्बम को रिलीज करके। आइए सारेगामा का प्रत पर इस एल्बम के लॉन्च पर दो शब्द कहें आदरणीय रवि जैन साहब। अच्छा कुछ ऐसा हो आपस में विचार विमर्श हो रहा है कि कौन पहले बोलेगा कौन पहले बोलेगा, मैं जरा सहजते रुक गया था, मैंने कहा कि एक ऐसे कला तो मैं कुछ कार्यक्रम में स्क्रीन प्ले में पटकथा में कुछ चेंज हुआ है, पहले अनूप जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहें। सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए हैं और हिम्मत बढ़ाई हम सबकी, क्योंकि ये जो एल्बम है ये एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोयल जी ने बहुत ही निष्ठा से और बहुत डेडिकेशन से श्री रविंद्र जैन जी से शिक्षा ली है और उनके साथ बहुत समय गुजारा है, उनसे सीखा है, उनके साथ गाया है, तो गुरु के कुछ अंश जो है वो शिष्य में जरूर आ जाते हैं। तो ये लिखने भी लगी, संगीत भी देने लगी और गाने भी लगी, यही तीन गुण हमारे रविंद्र जैन जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लिखना, इसी तरह बहुत मुश्किल होता है संगीत देना, और उसी तरह बहुत मुश्किल होता है गाना। ये जितने काम हैं इसके पीछे ना लगा हुआ है कि अगर कर सकते हो तो करना, नहीं तो मत करना। लिखना, लिखना, गाना, बजाना, तो ये ना भगवान ने लगा दिया पहले से कि अगर ना हटा सकते हो तो करो, नहीं तो। तो इसलिए तीनों काम बहुत मुश्किल है, उस मुश्किल को आसान कर दिया श्री रविंद्र जैन जी ने, क्योंकि ये मंच पे बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते जाते हैं, हम लोगों का दिमाग ही नहीं चलता है कि ये क्या क्या निकलता चला जा रहा है। इनके अंदर जैसे कंप्यूटर फिट है कि जी वो आप किसी भी संदर्भ में इनसे बात कर लीजिए और कविता तैयार है, सामने आ जाती, एंड स्पॉटलेस, कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको आप ये कह सके कि कहीं पर कोई मात्रा कम है, कुछ नहीं, वो सब हो ही नहीं सकता, इतना गजब का काम। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने अपने समय में अपने जीवन काल में एक इतने बड़े कलाकार को देखा, समझा, जाना और उनसे प्यार पाया, और कोयल जी को वही कुछ अंश, वही कुछ गुण रविंद्र जैन जी से मिले। और जब मैंने इनके साथ ये एल्बम किया तो मैं इनको यही कहता था कि क्योंकि हम बंगाली हैं तो जो बंगाली होते हैं वो कहीं कहीं नर और मादा में भेद नहीं रखते। मुझे कई बार कह देती है कि मैं आता हूँ, मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा आता तो मैं हूँ।
थी, ये चीजें जो है थोड़ी उनकी ठीक ठाक करानी पड़ी, उसके लिए मैंने भी एक दो बार ठीक किया उसको, लेकिन वो ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है क्योंकि वो तो बचपन से इसी तरह लोग बोलते रहे, इसलिए ये गलती आ जाती है। लेकिन जो उसके अंदर भाव है, जो उसके अंदर कथा है, जो उसके अंदर फीलिंग है, वो अगर हम देखने चले तो बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, और वैल्यू उसी की होती है कि उसमें डेप्थ क्या है। गाती तो बहुत अच्छा है, संगीत भी इन्होंने इसमें बहुत अच्छा दिया। मैंने इनके साथ एक एल्बम पहले किया था, टैगोर संगीत, टैगोर के कुछ गीत हमने साथ में गाए थे, उसका नाम था हृदय माझे। उसके बाद अब ये दूसरा एल्बम हमारा हिंदी में आया, इसी एल्बम को बंगाली में भी रिलीज किया गया है, और बंगाल के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं नचिकेता, उन्होंने बंगाली में इनके साथ गाया, इसमें मैंने गाया। तो ये बहुत कुछ इस एल्बम को लेके इतना काम हो रहा है, उसके भी वीडियो बने, इसका भी वीडियो बना, आपको दिखाया जाएगा, वर्किंग जब इसका वीडियो बन रहा था बहुत अच्छा था। तो मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दादा ने समय निकाला है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज दादा के घर में शिष्यों की भीड़ लगी हुई है, वो देख रहे हैं कि कहाँ ये जा रहे हैं, लेकिन ये भी इनका प्रेम है शिष्यों के प्रति कि आए हैं यहाँ आकर इन्होंने समय दिया है। तो मैं भी दादा को ज़्यादा नहीं रोकना चाहता हूँ, दादा कुछ थोड़ा अपना आशीष वचन दें और उसके बाद इस एल्बम को रिलीज करें, और उसके बाद उन शिष्यों को आशीर्वाद दें जो इनके घर में भीड़ लगाए खड़े हैं। धन्यवाद। आपसे निवेदन है आप आशीर्वाद के दो शब्द कहें। मैं सबसे पहले कोयल को उसकी बेहद कामयाब कोशिश पर, आज के दिन गुरु पूर्णिमा है तो अवश्य आशीर्वाद दूंगा, मेरी आंतरिक शुभकामनाएं और स्नेह हमेशा उसके साथ है। अनूप मेरा अत्यधिक प्रिय है और बिल्कुल वी आर ए वन फैमिली, ये मैं हमेशा ये मैं मानता हूँ। और दोस्तों ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सारे गांव से है मेरा जन्म का नाता, सारे गांव से है मेरा जन्म का नाता, कहने में संकोच नहीं एचएमई मेरा भाग्य विधाता। मुझे याद है कलकत्ता 64 की बात है, आरती दी आरती मुखर्जी उनका पहला बंगला एल्बम मैंने वहाँ किया, और उस वक्त हमें बड़ा टेम्पटेशन ये था कि वहाँ जाके लूची और आलूदम और रसगुल्ला खाने को मिलता था, और उस वक्त जो 7.5 रुपया जो टाइटल के याद है आज मुझे, जो करोड़ों में मेरे लिए है, वहाँ पहली बार मिला, और तब से फिर मैं कलकत्ता एचएमई काम करता रहा उनके लिए, फिर बॉम्बे आके भी काम किया, उनकी खिदमत की है। कोयल के लिए कहूँगा कि कोयल मधुरम गायका जाने सब संसार, कोयल पगली गायका जाने सब संसार, शब्द स्वरों पर भी किया अब इसने अधिकार, शब्द स्वरों पर भी किया अब इसने अधिकार, इश्क बाबरी में सजे कोयल के त्रय रूप, तीन रूप हैं, इश्क बाबरी में सजे कोयल के त्रय रूप, स्वर्ण में सुरभि समान है उसके संग अनूप, स्वर्ण में सुरभि समान है उसके संग अनूप, और पानी के जैसी प्रकृति, अनूप के लिए कह रहा हूं, पानी के जैसी प्रकृति कंठ में अमृत कूप, पानी के जैसी प्रकृति कंठ में अमृत कूप, यहाँ रोमांटिक मूड में भजन प्रसिद्ध अनूप, भजन प्रसिद्ध अनूप। दोस्तों इश्क पे दो शेर याद आ रहे हैं मुझे कि गुजरे थे इश्क नाम के यहाँ से कोई बुजुर्ग, गुजरे थे इश्क नाम के यहाँ से कोई बुजुर्ग, हम सब के सब फकीर उसी सिलसिले के हैं, हम सब के सब फकीर उसी सिलसिले के हैं,
और इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दो, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, मेरी तरफ से मेरी समस्त आंतरिक शुभकामना प्यार अनूप के लिए, को इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इश्क बाबरी का विमोचन इसको बैठा रहे आदरणीय रवि ग्रीन वाले को, ग्रीन ग्रीन वाले को सर एचएमबी सारे गामा की ओर से ये एल्बम निर्मित किया गया और आज इसका विमोचन हो रहा है। इश्क बाबरी कोयल जी के गाए हुए इस एल्बम का विमोचन आदरणीय रवि जैन साहब के सुरीले हाथों से सभी लोगों के साक्ष में ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु अपनी सुरीली और मधुर कंठी गायिका का एल्बम रिलीज कर रहे हैं आदरणीय रवि जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योग्यता में परिवर्तित करके, बहुत से लोग एमए हिंदी में होते हैं, सभी का भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक अलग विधा है, ये एक अलग परिश्रम है, ये अलग सपना है, ये अलग कोशिश है, ये अलग जतन है। जिन खोजा तिन पाइया। कोयल जी ने अपने संगीत की शैक्षणिक योग्यता को अपना प्रोफेशन बनाया, रियाज किया, जैसा कि अनूप जी ने कहा है, आता है और आती हूँ। इसमें बंगालीज को प्रॉब्लम होते हैं, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आज गुरु पूर्णिमा है और शायद बहुत बड़ा सपना, मुझे पता नहीं मैंने कब देखा था, शायद देखा या नहीं भी देखा हो, लेकिन आज अनूप जी, दादू, दादू से मुझे बहुत, मैंने बहुत कुछ सीखा है दादू से, सब आप सबको पता चल चुका है अब तक, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने इतना सीखा है दादू से बॉम्बे आने के बाद। और आज ये एल्बम इश्क बावरी मैं समझती हूँ मेरे गुरु के चरण में ये अर्पित करती हूँ, मैं डेडिकेट करती हूँ ये एल्बम मेरे दोनों गुरु को, श्री रविंद्र जैन जी एंड श्री अनूप चलोटा सर। आई एम सो हैप्पी पंकज जी इज हियर एंड चिंटू जी, मुझे लगता है मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं राजेश जी को बुला लेती हूँ और मेरी जो भी भावनाएं हैं इश्क बावरी का ये सब आपके सामने है। इसमें 8 गाने हैं जो कि सॉफ्ट रोमांटिक हैं, सुफियाना है, और अब मैं राजेश जी को बुलाना चाहूँगी, राजेश जी आपके सामने पंकज जी का स्वागत करें। दोस्तों इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि हिंदुस्तान के शीर्ष गायक आज इस मौके पर उपस्थित हैं। एक बार हम फिर मशहूर गजल गायक पंकज उधास साहब का स्वागत करें। और दोस्तों ये बड़े व्यस्त कलाकार होते हैं, ये भारतीय संगीत को भारत में ही नहीं ले जाते, विदेशों में ले जाते हैं और भारत के संगीत का सम्मान बढ़ाते हैं। अनूप जलोटा साहब, पंकज उदास जी, रविंद्र जैन साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये वो लोग हैं जो पाठ्यक्रम में प्रेस्क्राइब होते हैं, जिनको सुनकर पढ़कर रिस्पेक्टेड रविंद्र जैन साहब, अनु भाई, चिंटू, राजीव स्टेज पे विराजमान महानुभाव, कोयल, लेडीज एंड जेंटलमैन,
हर साल हम एक कार्यक्रम करते हैं खजाना के नाम से, इस साल भी होने जा रहा है ये शुक्रवार और शनिवार को। खजाना वज़्मों का एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल में मैं अनुभाई तलत सारे गजल के जितने जाने माने फनकार हैं सब उसमें हिस्सा लेते हैं। हम में से ज्यादातर जो फनकार हैं वो गजल से 35 साल से भी ज्यादा वक्त से जुड़े हुए हैं। ये सब कहने का प्राय ये सब कहने की वजह यह है कि जब तक दीवान की ना हो जब तक पागल बन ना हो एक इंसान कलाकार नहीं बन सकता। और ये आज जो एल्बम रिलीज होने जा रहा है उसका नाम ही वही है। बावरापन कब होता है? जब कि आप किसी भी क्षेत्र में कला में इंसान एक हद से आगे निकल जाता है अपने डेडिकेशन में तब जाके कोई बात बनती है। तो मैं समझता हूं कि कोयल जी ने ये जो प्रयत्न किया है कहीं ना कहीं संगीत के प्रति एक दीवानगी है, एक जुनून है, एक पैशन है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा उन्हें कि उन्होंने ये प्रयत्न किया है। अनु भाई हम सब जानते ही हैं कि बहुत ही मंझे हुए हमारे कलाकार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। और इनकी एक खूबी मैंने हर वक्त महसूस की है, उनकी ये खूबी वो हर वक्त मैंने पहचाना है जाना है, वो ये है कि जितने नए फनकार हैं जो भी कुछ सपने लेके मुंबई में आता है या तो जो भी कोई फनकार अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो अनूप भाई हमेशा उस फनकार को मदद करने के लिए तैयार होते हैं, उनके साथ काम करते हैं। ऐसे असंख्य नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं कि जिन्होंने अनूप भाई के साथ शोज किए हैं, जिन्होंने अनूप भाई के साथ एल्बम्स बनाए हैं और हर एल्बम में उनका डेडिकेशन उनकी पैशन ऐसी ही रहती है कि जैसे वो पहली बार काम कर रहे हैं। तो मैं अनूप भाई और कोयल दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह एल्बम बहुत मकबूल हो, बहुत मशहूर हो और आप सबको पसंद आए। धन्यवाद। जिस एल्बम पे रवि जैन साहब का आशीर्वाद हो, अनूप जी और पंकज उदास साहब की शुभकामनाएं हो, तो निश्चित रूप से वो एल्बम नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, नए नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। ओके थैंक यू। यस लुक यार ये सेंटर लुक सर। थैंक यू सर। इश्क बाबरी एक बहुत ही रोमांटिक एल्बम है और जब इसकी तैयारी हो रही थी, कोयल त्रिपाठी जब इसको लिख रही थी, तो जैसे जैसे मैं एक एक गाने को पढ़ता था मैं इनको कहता था आप बहुत अच्छी चीज़ बना रही हैं। और फिर जैसे जैसे मैंने इसका संगीत सुना, इन्होंने जब धुनें बनाई तो और मज़ा आने लगा। बहुत डूब के उन्होंने काम किया क्योंकि पहले से ही वो बंगाली म्यूज़िक पे काम करती रहीं और अब मुझे बड़ी खुशी है कि हिंदी म्यूज़िक की तरफ वो काम कर रही हैं। उन्होंने रविंद्र जैन जी से संगीत सीखा है तो रविंद्र जैन जी में ये खूबियाँ हैं कि लिखना, गाना और संगीत देना। मेरे ख्याल से इसी वजह से वो खूबियाँ जो हैं वो कोयल में आई हैं और कोयल उसको बखूबी निभा रही है। आज मैं इसीलिए थोड़े से कपड़े रोमांटिक पहन के आया हूँ कि शायद उसका थोड़ा असर हो।
कुर्ते पैजामे में आता तो मैं रोमांटिक नहीं गा पाता। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे एल्बम, इसको हमने बहुत प्रेम से बनाया। कितने गाने कितने होंगे अनुज? इसमें आठ गाने हैं, जिसमें कोयल जी ने और मैंने कुछ डुएट गाए हैं, कुछ उन्होंने सोलो गाए हैं, कुछ मैंने सोलो गाए हैं, इस तरह मिला के एल्बम बनाया। मार्केट में तो आ गया, आज हम लोग इसको रिलीज फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक दो दिन पहले से हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है। तो HMV सारेगामा जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके रिलीज पर। थैंक यू। एक्साइटमेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू हुआ था करीब 1.5 साल पहले। लिखती तो मैं हूँ लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि एक एल्बम हो जाएगा मेरे लिरिक्स पे और मेरे म्यूज़िक पे। पर अनूप जी मेरे वो मेंटर हैं जो मुझे ये मुझे लगा सबके सामने परफॉर्म करके भी कि ये कॉम्पोजिशंस अलग ही हैं। तो मैंने रोमांटिक एल्बम का अटेम्प्ट किया और अनूप जी ने फर्स्ट टाइम इसमें रोमांटिक गाया और इश्क बावरी बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 8 गाने हैं, 8 गानों में रोमांटिक के हर तरह, रोमांटिक इन एवरी वे। जैसे तन्हाई एक सॉन्ग है, तन्हाई में ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा अकेलापन या पैथोस दिखाया जाए, तन्हाई है पॉजिटिव वे में। जब हम अकेला होते हैं तो कोई मीठी याद के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ दुख के बारे में ही सोचें। सुफियाना है कुछ, इश्क में जीना इश्क में मरना, जिसमें अनूप जी ने भी डुएट गाया है, सॉफ्ट रोमांटिक है। कुछ पैथोस हैं जैसे रात के साथ बातें, साजन के साथ अगर इश्क बावड़ी, इश्क में बावड़ी हो चुकी जो लड़की, वो साजन से मिलने जाती हैं तो रास्ते में वो नेचर से मिलती हैं, तो उनको लगता है जब अकेला है, प्रेमी नहीं है या साजन नहीं है, तो हरे भरे पत्ते, बारिश की बूंदें, इन सब में या रात, खाली रात, सब में सोच सकते हैं उस साजन को। तो ऐसी एक जर्नी है ऑफ वोमन जो इश्क बावरी है और जिन्होंने अनूप जी ने इसमें साथ दिया है, गाया है। सो इट्स अ नाइस प्रोजेक्ट और मुझे लगता है गाने भी बहुत अच्छे बने। उसमें मॉनसून का एक गाना है जिसका वीडियो अभी आप देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है, बारिश की ये बूंदे गान के कैप्शन में है। सो आई एम वेरी हैप्पी और गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये रिलीज़ हो रहा है, गुरु का आशीर्वाद है। अभी रविंद्र जैन जी मेरे गुरु हैं, अभी आ रहे हैं, अनूप जी हैं, तो इट्स डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने मेरे लिखे हुए गाने हैं, मैंने कंपोज किया है, मैंने गाया भी है। तो लिखती तो मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। मैं बंगला में बहुत लिखती हूँ और हिंदी में भी मैंने कई कॉम्पोजिशंस हैं, लेकिन उसमें से कुछ 8 गानों का हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन से, वो भी मैंने ही डिसाइड किया और नाम भी मैंने ही दिया, इश्क बावरी। तो इट्स लाइक बहुत खुशी मिली मुझे, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे जो शब्द हैं वो अगर बाहर आए, वो भी म्यूज़िकली बाहर आए, तो क्या बात है। हाँ जी, सब यही बोलते हैं कि भजन सम्राट को मैंने रोमांटिक सम्राट बना दिया। तो मैं क्या समझती हूँ कि भजन जो गाया जाता है, अगर राधा कृष्ण की जो भजन होते हैं वो तो प्रेम ही है, प्रेम भजन है, तो जो सुर में भजन गाया जाता है वही प्रेम के साथ रोमांटिक गाया जाता है। अनूप जी ने तो बहुत खुश होकर हाँ कहा है, तो लाइफ के इस एज में आके उन्होंने रोमांटिक गाया है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिसिस्ट भी मैं बोलूँगी, जो मुझे मिली है। मुझे नहीं पता कि मेरे मैं बंगला में तो कई काम कर चुकी हूँ, हिंदी में भी करती हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन का काम करती हूँ और गाती तो हूँ भी, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट मैं बोल सकती हूँ। और सारेगामा जैसे कंपनी साथ में है, सारेगामा रिलीज कर रही है, तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा आज। जाहिर सी बात है, सारे गाने आपके जी से प्यार रहेगी, लेकिन कोई प्यारा गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं एक गाना अनूप जी का मेरा है, इश्क में जीना इश्क में मरना, इश्क में भूलो सारा जमाना, तू है ख्वाब में ख्यालों में, तू है ख्वाब में ख्यालों में, एक
पल तुझे बिन अब नहीं रहना, इश्क में जीना इश्क में मरना, इश्क में भूलूं सारा जमाना। थैंक यू वेरी मच। लोग सब आश्चर्य बाड़ी रे बाड़ी तो ना दादू है गुरु पूर्णिमा ना दादू आपसे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं जी जुमा की आपसे इस तरह के ब्लेस देना चाहेंगे अपने कोयल जी को कोयल बहुत प्रतिभा संपन्न वेरी स्टूडेंट है और एक कॉमन जो हमारे अंदर जो दोनों की पसंद है वो टैगोर गुरुदेव तो संजो की बात है कि बॉम्बे आके मुलाकात हुई है नहीं तो इन कलकत्ते में जहाँ जहाँ मैं बैठता था जिन जिन रेस्टोरेंट्स में जहाँ बारहवीं भारती में वहाँ पे इसने पढ़ा है और वहाँ पर तो मुलाकात यहाँ बॉम्बे हुई है बहुत अच्छा लग रहा है आज और आज गुरु पूर्णिमा की शुभ तिथि है आज के दिन ये एल्बम रिलीज हो रहा है मेरी आंतरिक शुभकामनाएँ कोयल के साथ हैं और दूसरा जो सहयोगी कलाकार कोयल के साथ अनूप मेरा अत्यधिक मेरा जीव है बिल्कुल एक फैमिली अरबन फैमिली बिल्कुल घर की बात है और ये मुझे लग ही नहीं रहा मुझे लग रहा है कि मुझे मैंने ही गाने बनाए हैं और मैंने ही लिखा और मैं ही गाने वाला हूँ इतना पर्सनल है और कब ये गाने लिखने लगी कब ट्यून बनाने लगी मुझे मालूम ही नहीं हुआ मेरे पास तो सारे गाना ही गाती हुई जिस तरह से आप म्यूजिक दुनिया में ऑलराउंडर है उसी तरह आपकी ये स्टूडेंट भी हो गई है सबको अधिकार है जिनको भगवान ने जिनको नवाजा है उनको कुछ दिया है उनको उनका उनका पथ प्रशस्त हो उनको काम मिले उनको लोग जाने ताकि पहचान बनाए क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जो लाइफ स्पैन हमारे पास है वो फाइन आर्ट के लिए बहुत कम है बहुत कम है बहुत बड़ा कंपटीशन बड़ा काम लोग करके गए हैं उसमें अपने मुकाम बनाना अपनी जगह बनाना ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से समझाऊंगे अपना अच्छा परिश्रम मैं समझता हूँ कि ये इश्क बाबरी का जो नाम भी उसने बड़ा शुद्ध रखा है सोच के रखा है तो मैं तो यही जानता हूँ कि संगीत में बाबरी हो और संगीत से ही इश्क हो तो इश्क बाबरी सचमुच सार्थक हो जाएगा और मैं हाजिर हूँ और कुछ आपको अगर जरूर मुझसे पूछें